अपना चैनल। किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही शुरुआत करेंगे आज की पांच बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए देख लेते हैं पांच बड़ी खबरें आज की क्या हैं। सबसे पहली बड़ी खबर हमें गांगे पश्चिम बंगाल से मिल रही है, जहां कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर पर नजर डालें, मेघालय से मिल रही है, छिटपुट हिस्सों में तेज बरसात के आसार जो हैं वो जताए जा रहे हैं, ऐसी अगली बड़ी खबर है हमारे पास। और दूसरी बड़ी खबर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक से, कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। विदर्भ से बड़ी खबर हमें मिल रही है कि बिजली की चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चलेंगी, तो ये खबर हमें विदर्भ से मिली। और छत्तीसगढ़ से जो हमें बड़ी खबर मिल रही है, कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं जो हैं वो संभव हैं। तो ये तो देखिए आपने आज की पांच बड़ी खबरें, और अब देख लेते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून को लेकर क्या कुछ अपडेट है, उस पर नजर डाल लेते हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है, मैं हूँ आपकी AI एंकर भूमि। 30 मई को केरल में दस्तक देने के बाद इस समय मानसून पूरे तमिलनाडु में पहुंच चुका है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और गोवा के अधिकतर भागों और तेलंगाना में भी कई जगह मानसून पहुंच चुका है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून 11 जून से महाराष्ट्र के कुछ और इलाकों में पहुंचने की संभावना है, साथ ही तेलंगाना के कुछ और हिस्सों में भी मानसून दस्तक देगा। तेलंगाना के साथ साथ ही अगले 48 घंटों में छत्तीसगढ़ के कुछ और इलाकों में भी मानसून के पहुंचने का अनुमान है। अगली बार फिर हम आपके लिए लाएंगे एक नया अपडेट, तब तक ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो देखा आपने, हमारी AI एंकर भूमि ने बताया कि दक्षिण पश्चिम इलाकों में किस तरीके से मानसून पहुंच चुका है। तो चलिए ये आपने जाना मानसून के बारे में, और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की। तो चलिए मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताएंगे अगले 24 से 48 घंटों में कहाँ कम बरसेंगे बादल, कहाँ ज़्यादा बरसात होगी, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इस नक्शे के जरिए हम आपको बताते हैं। आप देखें उत्तराखंड, लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और गिलगित, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहाँ पर बरसात नहीं होगी अगले 24 से 48 घंटों में। तो लगातार हम आपको मौसम का पूर्वानुमान इस नक्शे के जरिए किन किन राज्यों में बारिश होगी, कहां पर नहीं होगी, वो जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो आप देख सकते हैं, और अब हम आगे बढ़ते हैं, आप नज़र डालें अगर बिहार, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल, यहां कहीं कहीं बारिश है, झारखंड में बारिश नहीं है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात होगी। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और ये आप देखें अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर जो है बरसात होगी अनेक स्थानों पर। और साथ ही अगर अब हम आगे बढ़ें, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें आप देखें और तमिलनाडु की, तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश है। तेलंगाना में अनेक स्थानों पर बारिश है, रायलसीमा में कई जगह बरसात है, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक में जो है अनेक जगह पर बरसात है, और केरल में अधिकतर जगह बरसात जो है वो होगी अगले 24-48 घंटों में, और अंडमान निकोबार में भी अधिकतर जगह बरसात होगी। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ में आप देखें कई जगह बरसात है। साथ ही अगर हम आगे बढ़े, सौराष्ट्र, गुजरात, कच्छ, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कहीं कहीं बारिश है यहां पर। और अगर हम पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहां पर बरसात नहीं होगी। तो लगातार हम आपको इस नक्शे के जरिए हमने आपको बताया 24 से 48 घंटों में मौसम का हाल, और अब हम बात कर लेते हैं मौसम की चाल की।
यानी पिछले 24 घंटों में कहां कहां बारिश दर्ज की गई है, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो यहां पर पिछले 24 घंटों में जो है वो बरसात दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं इस नक्शे के जरिए हम आपको बता रहे हैं पिछले 24 घंटों में बारिश का हाल, मौसम की चाल। और आप देखें ओडिशा, झारखंड, यहां पर भी पिछले 24 घंटों में बारिश जो है वो दर्ज की गई है। हिमालय, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के ये वो राज्य है जहां पर पिछले 24 घंटों में जो है भारी बरसात यानी भारी बारिश दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार में भी पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल और तटीय कर्नाटक, साथ ही लक्षद्वीप अगर आप देखें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटों में भारी बरसात जो है वो दर्ज की गई है। तो मौसम की चाल जो है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कहां पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात, ये वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में मौसम की चाल जो है वो बता रही है कि बारिश जो है वो भारी बारिश दर्ज की गई है इन राज्यों में पिछले 24 घंटों में। तो देखा आपने, ये थी मौसम की चाल जो हम आपको बता रहे थे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल हम जो है रुख कर लेते हैं गर्मी अपडेट का, यानी कि पारा लगातार बढ़ रहा है, उमस बढ़ रही है, लू और गर्म हवाएं चल रही हैं, तो वह ऐसे में हमारी एआई एंकर भूमि आपको देंगी गर्मी अपडेट। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए गर्मी के मौसम की ताजा जानकारी लेकर आए हैं। इस तपते मौसम में तापमान का हाल जानना बेहद जरूरी है ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सकें। तो चलिए जानते हैं किस क्षेत्र में कितनी गर्मी पड़ रही है और आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले सतर्क रहें क्योंकि गांगेय पश्चिम बंगाल में कई जगह गर्म हवाएं चल रही हैं। बिहार में कुछ जगहों पर गर्म हवाओं का असर है। झारखंड में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की संभावना है और उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। वहीं नजर बनाए रखें क्योंकि पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं और ओडिशा में कहीं कहीं उमस भरी गर्मी हो सकती है। अंत में बाकी सभी राज्यों के लिए कोई चेतावनी नहीं है। आज के गर्मी अपडेट में इतना ही। अपनी सेहत का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और फिलहाल मौसम खबर में अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर के अब इस हिस्से में हम बात करेंगे तापमान के हाल की, यानी अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान का क्या हाल है देश के विभिन्न राज्यों में, उसके बारे में हम आपको बताएंगे तापमान का हाल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस नक्शे के जरिए हम आपको समझाते हैं तापमान का हाल। आप देखें पंजाब में जो तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का आप अगर रुख करें तो आप देखें यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं झारखंड और बिहार की, तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस से सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। और अब हम रुख करें अगर पूर्वोत्तर के राज्यों का, मेघालय और असम की खास तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है। ये पूर्वोत्तर के दो वो राज्य हैं। चलिए और जो अगले राज्य हैं वो है त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। इन राज्यों में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है पूर्वोत्तर के इन राज्यों में। आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं रायलसीमा की, तो रायलसीमा में आप देखें कि यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। ये हम अधिकतम तापमान आपको लगातार बता रहे हैं। आगे अब हम बात कर लेते हैं विदर्भ की, विदर्भ में अगर आप देखें और साथ ही आप देखें सौराष्ट्र और कच्छ में, तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। और अब हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़
और पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की, तो आप देखें यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। यह अधिकतम तापमान की स्थिति आप देश के विभिन्न राज्यों में देख रहे हैं, और सबसे अधिकतम स्तर पर जो तापमान है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, यानी कि भीषण गर्मी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। तो ये तो आपने देखा अधिकतम तापमान का हाल, अब बात न्यूनतम तापमान की। गांगे पश्चिम बंगाल से शुरुआत करें तो यहाँ आप देखें यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। और अगर हम बात करें अंडमान और निकोबार की, तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है यानी न्यूनतम तापमान वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। ये जो न्यूनतम तापमान है वो हम आपको बता रहे हैं। विदर्भ और गुजरात की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देखें न्यूनतम 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में, सामान्य से थोड़ा ज़्यादा दर्ज किया गया है यहाँ पर न्यूनतम तापमान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में जो है सबसे न्यूनतम स्तर पर तापमान दर्ज किया गया है वो है 24.0 डिग्री सेल्सियस। तो ये सबसे न्यूनतम स्तर पर रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में। तो आपने देखा ये अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल, और अब देख लेते हैं देश के अन्य राज्यों में तापमान की क्या स्थिति है। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया है, पर छोटी सी ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, मौसम खबर लगातार जारी है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का, आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी कि वायु गुणवत्ता की। देश के प्रमुख शहरों की वायु गुणवत्ता क्या है, कितनी प्रदूषित है, कितनी साफ है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे वायु गुणवत्ता सूचकांक के जरिए। देश की राजधानी दिल्ली से शुरुआत करते 190 वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता। लखनऊ की अगर हम बात करें 247 आप देख सकते हैं गुणवत्ता सूचकांक, थोड़ी ख़राब श्रेणी में दर्ज की गई है, यानी प्रदूषित रही है लखनऊ की वायु गुणवत्ता। और पटना की अगर हम बात करें, बिहार की राजधानी पटना, 311 गुणवत्ता सूचकांक, काफ़ी ख़राब श्रेणी में रही है पटना की वायु गुणवत्ता, प्रदूषित रही है। बेंगलुरु 44 बहुत अच्छी श्रेणी में रही है बेंगलुरु की वायु गुणवत्ता, यानी काफ़ी साफ हवा रही है। पुणे की बात करें 66 गुणवत्ता सूचकांक, अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है, साफ हवा रही है पुणे की वायु गुणवत्ता, अच्छी श्रेणी में रही है पुणे की। और हैदराबाद की आप देखें तो 99 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, ये भी अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है हैदराबाद की वायु गुणवत्ता।
काफ़ी साफ रही है। और कोलकाता की अगर हम बात करें तो आप देखें 112 गुणवत्ता सूचकांक, संतोषजनक श्रेणी में कोलकाता की वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। और अगर अब हम बात करें मुंबई की तो 109 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, संतोषजनक श्रेणी में रही है मुंबई की वायु गुणवत्ता। और अहमदाबाद में अगर आप देखें तो 112 गुणवत्ता सूचकांक, यहाँ की भी जो वायु गुणवत्ता है वो थोड़ी ठीक ठाक रही है, संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई है। तो ये तो देखा आपने वायु गुणवत्ता का हाल। और अब बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी देश के प्रमुख जो पर्यटन स्थल हैं वहाँ का मौसम तापमान क्या कह रहा है। चलिए शुरुआत जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से करते हैं। आप देखें यहाँ पर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार चारों ही दिन लगातार मौसम मिला जुला रहेगा, धूप बादल ऐसा मौसम रहेगा। 20 डिग्री पर चारों ही दिन अधिकतम तापमान रहेगा और 7 डिग्री पर आप देखें लगातार कांस्टेंट चारों ही दिन 7 डिग्री पे न्यूनतम तापमान यहाँ का बना रहेगा। तो गुलमर्ग का जो मौसम और तापमान है वो आपने देखा। बात अब हिमाचल प्रदेश के शिमला की, शिमला में अगर आप देखें तो बुधवार से शनिवार तक चटक धूप खिली रहेगी, मौसम खुला रहेगा और 30 से 32 डिग्री के बीच में यहां का अधिकतम तापमान रहेगा। और न्यूनतम अगर आप देखें, न्यूनतम पर नज़र डालें तो आप देखें कि 20 से 21 डिग्री के बीच में शिमला का न्यूनतम तापमान रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा मौसम और तापमान हिमाचल प्रदेश के शिमला का चारों ही दिन। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पंजाब के अमृतसर की। अमृतसर पर अगर आप नज़र डालें तो आप ये देखें कि बुधवार के दिन यह मौसम खुला रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी, लेकिन अगर हम गुरुवार और शुक्रवार की बात करें तो आप देखें यहाँ पर 46 डिग्री टेम्परेचर अधिकतम रहेगा, मौसम मिला जुला रहेगा। शनिवार को धूप खिली रहेगी 45 से 47 के बीच में यानी अधिकतम, और न्यूनतम आप देखें 27 से 29 के बीच में जो है वो न्यूनतम तापमान अमृतसर का रहेगा। तो आपने देखा मौसम और तापमान अमृतसर का। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर की। तो अगर यहाँ की हम बात करें तो बुधवार से शुक्रवार तक तीनों ही दिन लगातार तेज़ गर्म हवाएं चलेंगी, धूल भरी आंधी भी आ सकती है और शनिवार के दिन जो है यहाँ पर मौसम खुला रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान आप देखें 46 से 44 के बीच में रहेगा यहाँ का वाराणसी का अधिकतम तापमान, और न्यूनतम की अगर हम बात करें तो आप देखें 30 से 32 डिग्री के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिहार के नालंदा की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें बुधवार और गुरुवार को तेज़ गर्म हवाएं चलेंगी, धूल भरी आंधी की भी संभावना है और शुक्रवार को अगर हम बात करें तो मौसम खुला रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी, लेकिन शनिवार को मौसम मिला जुला रहेगा, धूप बादल कुछ ऐसा मौसम रहेगा। 44 से 39 के बीच में यहाँ अधिकतम तापमान रहेगा, गर्मी रहेगी और न्यूनतम 30 से 33 के बीच में रहेगा। तो बिहार के नालंदा का मौसम और तापमान आपने देखा। अब हम बात कर लेते हैं त्रिपुरा के अगरतला की। अगरतला में आप देखें बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार यानी चारों ही दिन जो है भारी बरसात रहेगी, बारिश रहेगी। 34 से 32 के बीच में यहाँ पर अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम अगर हम देखें, न्यूनतम पर नज़र डालें तो 25 से 26 के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। यानी अगरतला में चारों ही दिन अच्छी खासी बारिश रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात कर लेते हैं। दार्जिलिंग में अगर आप देखें तो बुधवार से शुक्रवार तक बारिश है तीनों ही दिन लगातार, लेकिन शनिवार को यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा, धूप भी रहेगी और बादल भी रहेंगे। अधिकतम तापमान जो है वो 21 से 22 के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान चारों ही दिन 15 डिग्री पर बना रहेगा। तो दार्जिलिंग का मौसम और तापमान आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का किस तरीके का रहने वाला है, बारिश भी रहने वाली है और मौसम थोड़ा मिला जुला भी रहेगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर पर हम नज़र डालते हैं। यहाँ के मौसम तापमान की बात करें बुधवार को यहाँ गरज चमक के साथ बरसात हो सकती है और बुधवार के दिन की, और अगर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार इन तीनों ही दिन की अगर हम बात करें तो आप नज़र डालें तीनों ही दिन भारी बरसात है और 30 डिग्री से 32 डिग्री के बीच में अधिकतम तापमान यहाँ का रहेगा, लेकिन न्यूनतम की अगर हम बात करें तो 23 से 24 के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की। महाबलेश्वर पर अगर आप नज़र डालें, मौसम देखें तो बुधवार से लेकर शनिवार तक चारों ही दिन यहाँ पर भारी बरसात है और न्यूनतम तापमान जो है वो 23 से 24 डिग्री के बीच में रहेगा। अधिकतम तापमान न्यूनतम 18 से 19 के बीच में रहेगा। अधिकतम तापमान जो है 23 24 के बीच में और न्यूनतम जो है वो 18 से 19 के बीच में यहाँ का तापमान रहेगा। तो महाबलेश्वर का मौसम और तापमान आपने देखा कुछ इस तरीके का रहने वाला है। चलिए ये तो आपने देखा मौसम और तापमान देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों का। अब हम बात कर लेते हैं खेती किसानी की। तो खेती किसानी में हमारे किसान भाइयों के लिए क्या कुछ सलाह है, बता रहे हैं हमारे एआई एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई क्रिश और आज हम हिमाचल और उत्तर प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश में टमाटर के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें, इस समय टमाटर की रोपाई भी कर सकते हैं, साथ ही बैंगन के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें, बैंगन की रोपाई करें।
अभी भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में करेले की रोपाई करते रहें, किसान लौकी की रोपाई कर लें। इस समय मशरूम के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसके अलावा प्याज की खुदाई करें। हिमाचल प्रदेश के किसान सेब के बागानों में खाद डालें। उत्तर प्रदेश में धान की बुवाई करें। किसान मक्के की बुवाई कर लें, यहां उड़द की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही मूंग की बुवाई के लिए समय उचित है, वहीं भिंडी की बुवाई करते रहें। इसी तरह लोबिया की बुवाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लौकी भी बोएं। किसान खीरे की बुवाई करें। यहीं आम के बागों में सिंचाई करते रहें। इसके साथ ही अमरूद के बागों में सिंचाई कर लें। इस समय पपीते के बागों में भी सिंचाई कर सकते हैं। किसान अभी तोरई की बुवाई करें। उत्तर प्रदेश के किसान करेले की बुवाई करते रहें, वहां कद्दू की बुवाई कर लें। इसके अलावा अंगूर के बागों में सिंचाई करते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो मौसम के मद्देनज़र हमारे किसान भाइयों के लिए क्या कुछ सलाह है, हमारे पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्रा से जानते हैं। अगले कुछ दिनों के दौरान उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में एक या दो स्थानों पर भारी से अत्यंत भारी बारिश, साथ ही कोंकण और गोवा, असम और मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश में एक या दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसको देखते हुए वहां के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि फलों और सब्जियों की कटाई का कार्य कुछ समय के लिए स्थगित कर दें, साथ ही कटी हुई फसलों का सुरक्षित स्थानों पर भंडारण अवश्य कर लें। खड़ी फसलों एवं बगीचों से अतिरिक्त जल निकासी की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर लें, साथ ही फलदार पौधों को सहायता प्रदान करें। वर्षा की अवधि के दौरान उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग पूरी तरह से स्थगित रखें तथा अपने पालतू जानवरों को शेड के अंदर बांध कर रखें। असम में साली धान की नर्सरी बुआई तथा गन्ने और केले की रुपाई कार्य कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। उप हिमालय पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में संतरे के बागानों में जल निकासी की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर लें। केरल में केले के पौधों को सहायता प्रदान करें, साथ ही सब्जी फसलों के पांडालों को मजबूती भी प्रदान कर सकते हैं। कर्नाटक में नेट का उपयोग करके आम के फलों की तुड़ाई ही जारी रखें, साथ ही मानसून की बारिश का लाभ उठाते हुए मूंग, उड़द, सोयाबीन, कपास, अरहर तथा ज्वार की बुआई कार्य भी कर सकते हैं। सुपारी और नारियल के खेतों से उचित जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें तथा मेड़ों पर से खरपतवार हटा दें। उचित तापमान तथा उष्ण लहर के बारे में अगले कुछ दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल कुछ हिस्सों में उष्ण लहर से तीव्र उष्ण लहर, साथ ही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों, जम्मू, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के एक या दो क्षेत्रों में उष्ण लहर जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए किसान भाई खड़ी फसलों में नियमित अंतराल पर हल्की सिंचाई देते रहें। साथ ही मल्चिंग करने की सलाह भी दी जा रही है। बागवानी फसलों में अस्थाई शेड नेट का प्रयोग भी कर सकते हैं। सब्जियों, चारा फसलों, फलों के बगीचों इत्यादि में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई नियमित अंतराल पर देते रहें। खेतों से खरपतवारों, कीड़ों और रोगजनकों को नष्ट करने तथा वर्षा जल के मिट्टी में अधिकतम अवशोषण हेतु खेतों की गहरी जुताई कर सकते हैं। पंजाब में कपास की बुआई का कार्य जारी रखें, साथ ही सिंचित अवस्था में मूंगफली की बुआई का कार्य भी कर सकते हैं। और अब बात करेंगे आज की फसल की। आज की फसल में हम बात कर रहे हैं लौकी की। लौकी की अगर हम बात करें तो ये मौसम लौकी की बुआई के लिए बेहद अनुकूल और उपयुक्त है, तो आप लोग लौकी की बुआई कर सकते हैं हमारे किसान भाई। खास तौर पर आप ये भी जानते हैं कि लौकी की जो फसल है वो बेहद लोकप्रिय है अपने औषधीय गुणों के लिए। इसका ना सिर्फ जूस बनता है, सब्जी भी बनाई जाती है। तो लौकी की कैसे करें आप बुआई, किन बातों का विशेष तौर पर, खास तौर पर आप किसान भाई ध्यान रखें, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें।
बुआई के लिए एक हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज ले। एक हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और NCR के लिए है। एक हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो मौसम खबर में आज बस इतना ही, लेकिन आप हमारा ये प्रोग्राम मौसम खबर हमारे DD किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये है कि जो ये QR कोड आपको दिखाया जा रहा है आपको उसे स्कैन करना है और आप हमारे YouTube चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।